भारत में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट जारी है। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले 1 लाख से नीचे रहे हैं। दूसरी तरफ मौतों के आंकड़े में कोई कमी नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 91,702 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,403 लोगों की मौत हुई है। अच्छी खबर यह है कि देश में पिछले 24 घंटों में 1,51,367 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि एक दिन में 63,463 एक्टिव केस में कमी आई है। देश में अब तक कुल 2,91,83,121 कोरोना मामलों की पहचान की गई है। इसमें से कुल 2,76,55,493 संक्रमित को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में इस समय कुल 11,67,952 कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश में अब तक कुल 3,59,776 लोगों की मौत हो चुकी है। आज देश में लगातार 28वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 30 मई तक देश भर में 24,27,26,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 33,59,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 37,21,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 20,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.22% है, जबकि रिकवरी रेट 94% से ज़्यादा किया गया है। एक्टिव केस घटकर 95% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या में मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौत भारत में हुई है। देश में सबसे ज़्यादा नए कोरोना मामलों में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, उसके बाद केरल और महाराष्ट्र है। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु में 17,321 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं केरल में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 16,204 और महाराष्ट्र में 10,989 रहा। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 520 नए मामले और 30 लोगों की मौत हुई, जबकि पंजाब में पिछले 24 घंटों में 1,407 नए कोरोना मामले, 66 मौतें और 2,521 लोग डिस्चार्ज हुए हैं।